नहीं। बैठ, तू खाएगी? नहीं। मुंडू रोहित केवल, ये कुल्फी इनकी है। हाँ। ये इनकी कुल्फी थी लेकिन अब हमारी है, ये हमारे हाथ में। आइसक्रीम छीन रहे हो ना तुम लोग, देखो कैसे दांत खट्टे करती हो तुम लोगों के। खाओ रे। ये कुल्फी पत्थर की तरह सख्त हो जाए। अरे भैया जी, कैसे कुल्फी दिए, हमारे दांत टूट गए। इस गिरने के साथ साथ हमारे दो मासूम खरगोश के भी दांत टूट गए। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? अभी बता दो, जब ये तुम्हारा थेला टूटेगा। ए पिद्दी हट। ये गाड़ी को पलटना चाहते हैं ना, ये गाड़ी इसी पे पलटे। परी हुआ? शाबाश महे, तुमने अपनी शक्ति का प्रयोग फिर एक अच्छे काम के लिए किया है। महे, तुम हमारी परीक्षा में उत्तीर्ण हुई हो। सच? मतलब अब मुझे पंख मिलेंगे? जरूर मिलेंगे महे, जरूर मिलेंगे। आज ही पंख दिन है और पंख तैयार होने में बस कुछ ही समय बचा है। चलो महे, हमारे साथ परी लोग चलो। हाँ, एक मिनट, पर मेरे घर में तो सब चिंता करेंगे। नहीं महे, क्योंकि ये सब बस कुछ ही घंटों की बात है और तुम्हारी पाठशाला का समय समाप्त होते ही तुम घर लौट आओगी। ठीक है, चिंता मत करो, चलो। हाँ। आप ये मुझे कहाँ लाए हैं? आपने मुझे कहा था कि आप मुझे पंख देंगे, तो पंख तो कोई दिखाई नहीं दे रहे। अच्छा मोंटू, धीरज रखो मोंटू, पंख मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। नहीं नहीं, मुझे कोई पंख वगैरह नहीं चाहिए। अब मुझे कौन सी डरावनी जगह पर लाए हो? तो मैं घर जा रहा हूँ। हाँ। रुक जाओ मोंटू, रुको। अरे, क्या कर रही है आप परी भयंकर? एक तो आपका नाम परी भयंकर, ऊपर से चेहरा भी भयंकर। अरे डर गया ना ये बेचारा बच्चा, लीजिए जरा प्यार से काम परी भयंकर। रुको बेटा रुको। मोंटू, हाँ? डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, पंख तुम्हें ही मिलेंगे। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे घर जाना है। तुम्हें घर जाना है? हाँ। तो जरूर जाओ।
लेकिन कुछ खा लो, भूख लगी होगी ना? पूछा नहीं आज तक मुझे, है पूछ रही इसे। खाओ मोंटू, ये सब तुम्हारे लिए। भयंकर, नहीं लगता मुझे कि है ये बच्चा लायक आपका उम्मीदवार बनने के लिए। है अभी भी समय, बदल लीजिए अपना निर्णय और बना दीजिए मुझे अपना उम्मीदवार। मुंह तुम खुद बंद करोगे या मैं करूं? मैं करूं? वाह, ये परीलोक कितना सुंदर है, ये झरने, ये पहाड़, वाह। रुको। अरे अरे आप कौन है? ये रानी परी है, परी लोक की रानी परी। हाय रानी परी, खुश रहो महर, खुश रहो महर। परीलोक में आपका स्वागत है। आज आपने साबित कर दिया कि आप पंख प्राप्त करने के लिए योग्य हैं। लेकिन रानी परी, मैंने तो सिर्फ वही किया जो मैंने अपने मम्मी पापा से, बालवीर से, अपने दोस्तों से सीखा है। बस अच्छे काम करते रहो और बाकी सब भगवान पे छोड़ दो। शाबाश महर, आप तो बहुत समझदार। आपको पता है कि आपकी इन्हीं बातों को सुनकर हमारा विश्वास और भी दृढ़ हो गया है कि हमने पंख प्राप्त करने के लिए बिल्कुल सही उम्मीदवार चुना है ना परियो? हाँ रानी परी, हमारा निर्णय बिल्कुल सही था। लेकिन रानी परी, ये पंख दिखते कैसे हैं? ठीक है महर, हम आपको पंख अभी दिखाते हैं। देखो महर, ये पंख। वाओ, कितने सुंदर पंख है ना ये। वैसे ये पंख लगभग तैयार है और कुछ ही पलों में ये पहनने के लिए योग्य हो जाएंगे। लेकिन आपको ये पंख प्राप्त करने के लिए पंख लोक में जाना होगा। लेकिन हाँ मैं एक बात याद रखिएगा, ये पंख एक बार तैयार हो जाए तो उसके बाद केवल 3 घंटे के लिए ही रहते, और इन्हीं 3 घंटों में आपको इन पंखों को प्राप्त करना है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो ये पंख अगले 55 वर्षों के लिए अदृश्य हो जाएंगे। 55 साल के बाद जो अवसर मिला है उसे मैं खोऊंगी नहीं। देखती हूँ मेहर कैसे हासिल करती है ये पंख। और अब तो बुराई और पंखों के बीच का अंतर बहुत कम हो गया है। महर, आप चिंता मत कीजिए, पंख प्राप्त करने के लिए बालवीर ने आपको चुना है और हम सबको बालवीर पर पूरा भरोसा है। आप देखिएगा, आप पंख अवश्य प्राप्त करेंगे। चलिए महर, अब पंख प्राप्त करने का समय आ गया है।
मेहर, पंखलोक में आपका स्वागत है। वाह, कितना खूबसूरत है ये पंखलोक। मेहर, वो देखिए हमारा पंख पर्वत। और मेहर, वो वाला हमारा पंख पर्वत। और वो हमारा। हमारा पंख पर्वत देखेंगी? वो रहा। हम सबको हमारे पंख इन बड़ी बड़ी शिलाओं से मिलते हैं। और महर, वो देखिए, वो बुलबुले देख रही है ना, उसमें नए पंख जन्म लेते हैं और उनके बनने की प्रक्रिया चालू रहती है। और जब उस पंख को पूरा आकार मिल जाता है तब वो बुलबुला फूट जाता है और उनमें से पंख निकलकर एक बड़ी शिला से जुड़ जाते हैं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.